अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पैडमैन आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। अक्षय कुमार स्टार है फिल्म पैडमैन शुक्रवार को यानी आज रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि आज तक पीरियड्स पर बेस्ड कोई फिल्म नहीं बनी है। ये फिल्म महिलाओं की महावारी को लेकर रूढ़िवादी सोच पर वार करती है। फिल्म में सैनिटरी पैड का मुद्दा उठाया गया है। फिल्म के दर्शकों लेकर समीक्षकों तक के पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं। छोटे बजट की फिल्म फिर से रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की है। शुक्रवार को फिल्म ने लगभग 10 करोड़ की कमाई की है। फिल्म कम बजट में बनी है, इस हिसाब से फिल्म अपना बजट 2 दिन में ही पूरा कर लेगी। बता दें कि फिल्म सिर्फ 20 करोड़ रुपए में ही बनी है और फिल्म ने पहले ही दिन करीब 10 करोड़ की कमाई कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड का फायदा फिल्म को मिल सकता है। दर्शकों को फिल्म का कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है, लिहाजा वीकेंड पर फिल्म की कमाई 2 गुना होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं ट्रेड एनालिस्टों का कहना है कि फिल्म पहले वीकेंड तक 70 करोड़ की कमाई कर सकती है। फिल्म को लेकर मिल रहे लोगों के रिएक्शन को देखकर लगता है कि फिल्म को 200 करोड़ क्लब में एंट्री करने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेड एनालिस्ट करण आदाश ने अपने ट्विटर पर फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा है, एक शब्द में फिल्म का रिव्यू विनर। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि फिल्म सच्चाई पर आधारित है, फिल्म एक सोशल मैसेज देती है, फिल्म में आपके इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं। फिल्म के लिए बड़ा थम्ब्स अप।